बच्चे कभी पिज्जा के लिए मना नहीं करते और हम मम्मीज बहुत जल्दी पिज्जा के लिए हाँ नहीं करती। तो मम्मी और बच्चों के बीच में झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला और बनाया झटपट बनने वाला इंस्टेंट ब्रेड पिज्जा। इससे बच्चों के पिज्जा की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और मम्मी को ये भी नहीं लगेगा कि आज फिर मुझे बच्चों को पिज्जा के लिए मना करना पड़ रहा है। इससे बच्चे भी खुश और मम्मी भी सुपर खुश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। बच्चों को पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है लेकिन पिज्ज़ा बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को ब्रेड पिज्ज़ा बहुत पसंद है और इस वीडियो में मैंने जो ब्रेड पिज्ज़ा बनाया है वो मैंने तवे पे बनाया है और इसके साथ मैंने एक इंस्टेंटली बनने वाली जुगाड़ वाली पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी भी शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों के लिए झटपट बनने वाला ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी इंस्टेंटली बनने वाली जुगाड़ वाली पिज्जा सॉस। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमेटो केचप के। टमेटो केचप डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस और इसके साथ मुझे डालना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स की जगह पर इटालियन सीजनिंग का भी यूज कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप क्या डालना चाहते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी चिली सॉस और डाल दीजिए। इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और ये लीजिए हमारी झटपट बनने वाली जुगाड़ वाली इंस्टेंट पिज्जा सॉस एकदम तैयार है। इस पिज्जा सॉस को बनाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। अब हमारी पिज्जा सॉस तैयार है तो हम चलते हैं हमारी टॉपिंग्स की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। उसके साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ येलो, ग्रीन और रेड बेल पेपर्स। अगर आपको इनमें से कोई बेल पेपर नहीं मिलती है तो आप उसे कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। टॉपिंग्स आपकी अपनी चॉइस की हैं, आप कोई भी टॉपिंग डाल सकते हैं। मुझे जो चीज़ें पसंद हैं मैं यहाँ पर वो डाल रही हूँ। अगर आपको मशरूम पसंद है तो आप यहाँ पर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। तो बेल पेपर्स के बाद मैंने इसमें डाले हैं स्वीट कॉर्न्स और ब्लैक ऑलिव्स जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग, थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की अमाउंट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक और लास्ट में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। ये सब चीजें डालने के बाद इन्हें एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स देंगे और हमारे ब्रेड पिज्जा के लिए पिज्जा टॉपिंग्स रेडी हैं। मैंने यहाँ बेसिक पिज्जा टॉपिंग्स ली हैं। टॉपिंग्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उन्हें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जब हमारी पिज्जा सॉस और पिज्जा टॉपिंग्स रेडी हैं तो हम इनकी असेंबलिंग करते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मैंने ली हैं 2 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस। आप चाहते हैं तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड या सीडेड ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हम जेनरस अमाउंट हमारी पिज्जा सॉस की स्प्रेड करेंगे। जब दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे पिज्जा सॉस स्प्रेड कर लेंगे फिर हम इस पे डालेंगे चीज। मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज यूज किया है, आप चाहते हैं तो कोई भी प्रोसेस्ड चीज यूज कर सकते हैं। अब मैंने दोनों ब्रेड स्लाइसेस पर सॉस और चीज लगा लिए हैं और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी पिज्जा टॉपिंग्स। पिज्जा टॉपिंग्स के अमाउंट को भी आप थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा क्योंकि ब्रेड पिज्जा में खूब सारी टॉपिंग्स बहुत टेस्टी लगती हैं। पिज्जा टॉपिंग्स डालने के बाद मैं इन्हें टॉप अप करूंगी और चीज के साथ। जब पिज्जा है तो चीज तो खूब सारा होना ही चाहिए, फिर चाहे वो हमने ब्रेड से ही क्यों ना बनाया हो, पिज्जा का मजा ही चीज के साथ आता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चीज और डाल लीजिए और अब हमारी ब्रेड पिज्जा स्लाइसेस बेक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इन्हें अवन में बेक नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है और इसे बटर से ग्रीस करने के बाद मैंने इस पे हमारी प्रिपेयर्ड ब्रेड स्लाइस रखी है और अब मैं इसे ढक कर और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने दूंगी या तब तक जब तक कि आपका चीज मेल्ट ना हो जाए। इस ब्रेड पिज्जा को ढककर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका चीज एकदम मेल्ट हो चुका है और ये बेस से बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है।
अगर आप चीज को थोड़ा सा और कुक करना चाहते हैं तो इसे कुछ देर के लिए और ढककर पकने दीजिए। लेकिन मेरे लिए ये चीज एकदम परफेक्टली कुक्ड है। बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज्जा रेडी है और इसे सर्व करने के लिए मैं इसे कट कर रही हूँ ट्रायंगल्स में। और सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़े से इटालियन सीजनिंग भी डाल दीजिए तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये झटपट बनने वाली ब्रेड पिज्जा की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे एक थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हैं जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।